नगर निकाय के दूसरे चरण का मतदान छिटपुट घटनाओं के साथ हुआ शांतिपूर्ण संपन्न। पटना से जुड़कर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, विधायक अजीत शर्मा के बेटे सात समंदर पार से पहुंचे वोट डालने, तो निशिकांत दुबे दिल्ली से पहुंचे भागलपुर। 45% से ऊपर हुए मतदान, किसके सर होगा ताज, ईवीएम मशीन में हो गया पर। आज भागलपुर नगर निगम में मतदान खासी सुरक्षा के साथ सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुआ और 5 बजे शाम में शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। अनुमानतः वोटिंग 45% से अधिक हुई। गौरतलब है कि पहली बार नगर निगम के चुनाव में लोग मेयर और उपमेयर को सीधा साधा अपने मतों से चुनने के लिए काफी उत्साहित दिखे। जहां भी ईवीएम खराब की सूचना आई, तुरंत उन्हें पदाधिकारियों ने बदलकर ठीक किया और सुचारू रूप से मतदान कराया। अब देखने वाली बात यह होगी कि भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर किसके सर होगा ताज। जनता ने अपना फैसला ईवीएम मशीन में बंद कर दिया है, जिसका फैसला 30 दिसंबर को होना है। एक तरफ जहां विधायक अजीत शर्मा के पूरे परिवार ने नियर उपमेयर और पार्षद पद के लिए वोट डाला, जिसमें उनके बेटे सात समंदर पार करके भागलपुर सिर्फ मतदान करने पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ गोड्डा के विधायक निशिकांत दुबे भागलपुर में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, भागलपुर के विकास को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से चलकर झारखंड के रास्ते भागलपुर पहुंचे और उन्होंने अपना मतदान किया। वही महिलाओं और दिव्यांगों में वोट देने की होड़ देखी गई, साथ ही नए वोटर भी अपना वोट देकर काफी उत्साहित दिखे। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने परिवार के साथ दुर्गा चरण विद्यालय में बने बूथ पर मतदान किया। मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि पहली बार जनता मेयर और उपमेयर पद को सीधा चुन रही है, इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा। भागलपुर में विकास की जरूरत है, यहाँ विकास होगा। देखिए, सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। आप लोग से वैसी कोई घटना या फिर कोई सूचना नहीं मिली है? जहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रही है या फिर जहाँ से बताया जा रहा है कि कुछ समस्याएं हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, सब लोग जोनल सुपर जोनल्स हैं, हम लोग भी हैं, वो लोग विजिट कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि फेयर और पीसफुल चुनाव हो। अब वोटिंग का जो एक टेंडेंसी होता है, अर्ली और लेट जो होता है वोटिंग, वो ज़्यादा होती है, तो हम लोग आशा कर रहे हैं कि निश्चित रूप से अब जैसे 3 बजने को हैं तो वोटिंग की परसेंटेज और आगे बढ़ेगी। क्या भागलपुर आकर आपने मतदान किया है? बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी जन्मभूमि पर बहुत समय के बाद आया हूँ, तो बहुत ही लोगों का प्यार देखकर बहुत ही खुश हूँ। यूथ से क्या कोई संदेश देना चाहेंगे अगर तो? अपना विवेक देखिए, अपने विवेक को अनुसार आप सारा देख रहे हैं, शहर की समस्या देख रहे हैं, उसके हिसाब से आप वोट दीजिए। राजनीति में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? है, इंटरेस्ट है, लेकिन अभी तो पापा के साथ ही आया हूँ, आगे देखा जाएगा। ठीक। आज सुबह पटना से चल करके अभी वोट देने आया हूँ और पूरे परिवार के लोग यहाँ वोट दे रहे हैं, साथ आए, तो वोट का महत्व है, एक एक वोट का महत्व है, इसलिए सबको वोट डालना चाहिए, चाहे जिनको भी वोट डालना हो, लेकिन वोट जरूर डालो। इस बार सीधे जनता मेयर और उपमेयर का चुनाव करेगी, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अच्छी बात है, ये हम लोग पहले भी आग्रह मांग करते रहे थे जब हम लोग कि डायरेक्ट इलेक्शन सब जगह आवश्यक होता है, उसमें भ्रष्टाचार को भी रुकावट होती है और भ्रष्टाचार पर भी प्रतिबंध लगता है और जनता को सीधे चुनने का अधिकार हो जाता है, अपने मेयर का, डिप्टी मेयर का, वार्ड पार्षद का। तो मुझे विश्वास है कि भागलपुर में यहाँ जो भी मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद जीत के आएंगे विभिन्न वार्डों का, तो भागलपुर का विकास करेंगे। भागलपुर का जो विकास जो हमने हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने जो भागलपुर को हम लोगों ने जिस प्रकार से एक बढ़िया बढ़िया शहर बनाने का है, एक आदर्श शहर बनाने का है, जो हमारा ये काम रुका हुआ है बहुत सारा, उस काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि भागलपुर का विकास चतुर्मुख विकास हो। सर, मतदान केंद्र पहुंचे हो पहली बार, इतने बार खुशी हो रही है कि मेयर का चुनाव, जो मैंने विधानसभा में सवाल उठाया था कि जैसे विधायकों का चुनाव होता है, सांसद का होता है, वैसे ही मेयर का भी चुनाव होना चाहिए, क्योंकि मेयर फर्स्ट चुनाव में काउन होते हैं नगर निगम, और इस बार शुरुआत हुई है बिहार में आजादी के बाद से, मुझे लगता है जनता सोच समझ के वोट देगी, विकास के नाम पर देगी और शहर का विकास सही ढंग से हम लोग मिलजुल के विधायक और मेयर करें, इसके लिए मैं जनता से आग्रह करूँगा कि ऐसे में वोट दीजिए जो विकास। नगर निगम क्या स्वच्छ हो पाएगा?
नहीं बिल्कुल अभी नहीं है, चूंकि देखिए मेयर हो क्या रहा था, पहले पार्षद लोग चुन रहे थे, निश्चित तौर पर जो पार्षद भी जीते अब मेयर डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, सब मिलजुल के विकास है। और निश्चित तौर पर शहर में जो आप जो बात कर रहे हो, मैंने सवाल भी उठाया सदन में और बैठकों में भी उठाया है, निश्चित तौर पर जो लगे हैं हम लोग, ट्रैफिक सिग्नल का मामला हो, सफाई का मामला हो, और भी जो नाला उठाई का मामला हो, जो भी काम है, निश्चित तौर पर इस बार जनता वोट दे रही है और जनता की अपेक्षा है जो मेयर बने, विधायक और हम लोग मिलकर काम करें। क्या नाम हुआ बाबा आपका? अनाठी मंडल। वोट डाल दिए? हाँ। किस रूप में देखते हैं आप इसको, क्या चाहते हैं आप? विकास। विकास चाहते हैं? हाँ हाँ। और परिवर्तन? कैसे कैसे प्रत्याशी को आप चुनाव करना चाहेंगे? अच्छे रूप से, बढ़िया रूप से। और कैसे कुछ कंप्लेन है, कई ऐसे वोटर हैं जिसका नाम यहाँ था पहले, वो कट के दूसरे में चला गया, इस तरह की शिकायत आपके पास आई? जी शिकायत इस तरह की आई है कि नाम यहाँ नहीं है, पहले यहाँ था, अब दूसरे वार्ड में डाल दिया गया। आपको सर ऐसा कहने आया? ये किसके तरफ की गलती है? एकाएक नाम का इधर का उधर हो जाना, इसे तो वोटिंग परसेंटेज घटेगा ना। हम लोग को तो जो अलॉट किया है 932 किया है, तो उसी में ना हम लोग कराएंगे। पूर्व में क्या था ये तो हम लोग को पता नहीं है, 932 का जो लिस्ट आया है उसी के अनुसार हम लोग करा रहे हैं। ठीक है ठीक। से वोट स्टार्ट हुई? सात से। कैसा अभी माहौल यहाँ का? ठीक ठाक है। अब तक कितनी वोटिंग परसेंटेज है? शांति माहौल में है। वोटिंग परसेंटेज अब तक में कितना हो चुका है? क्या नाम हुई आपका? अनंत सैनम। मजिस्ट्रेट नियुक्ति में आप हैं? क्या नाम बताए? अनंत सैनम, बूथ नंबर 37536, मुंडी चौमद विद्यालय पूरा भाग पश्चिम भाग। हाँ किस तरह का प्रत्याशी चुने इस बार? देखिए निकलेगा। क्या नाम हुआ बाबा? कमलानंद। कितना उम्र हो रहा होगा? 80 है ही। मतदान हमारा अधिकार है और मतदान सभा को करना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि मैं दिल्ली से चलकर गोड्डा देवघर होते हुए जो है सुबह सुबह आया, संयोग से मैंने पहला मतदान किया और मेरा सभी भागलपुर के लोगों से आग्रह है कि वो मतदान करें। पहली बार मौका मिला है कि परिवर्तन के लिए मतदान करें और मैंने मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड काउंसलर तीनों के परिवर्तन के लिए ही वोट दिया।